हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ बिरयानी की एक बहुत ही लजीज रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो कि बनाने में बेहद आसान है। तो आप इसको एक बार हमारे तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको और आपके सभी घर वालों को बहुत पसंद आएगी। तो फिर आइए, टाइम को ज़ाया किए बिना फटाफट इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इस मज़ेदार सी बिरयानी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले ले लिए हैं, जिसमें हमने करीब 5-6 साबित सूखी हुई लाल मिर्च ली हैं। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। 2 फूल बादियान के हैं, जिनको चक्री फूल भी कहा जाता है। 1 बड़ा चम्मच भरकर ये ज़ीरा लिया है। 1 बड़ा फूल जावित्री का है। चने के दाने के बराबर 1 टुकड़ा जायफल का है। 15 से 20 काली मिर्च हैं, 5-6 लौंगे हैं और ये दालचीनी के कुछ टुकड़े हैं जो कुल मिलाकर करीब 3-4 इंच होंगे। 2 बड़ी काली इलायचियां हैं, जिनके छिलके को हम डिस्कार्ड कर देंगे और जो इनके अंदर के बीज हैं उनको हम इस मसाले के साथ ग्राइंड करेंगे। और 4 छोटी इलायचियां हैं। तो चलिए अब इन सभी मसालों को ग्राइंड करके इनका एक फाइन पाउडर बना लेते हैं। और यहाँ मेरे पास 2 बड़े चम्मच भरकर साबित धनिया है और 2 बड़े चम्मच भरकर मैंने सौंफ ली है, तो इसको भी हम इस ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं। अब 1 चम्मच हल्दी पाउडर और करीब 1.5 चम्मच नमक डालकर इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड करके एक बेहतरीन सा बिरयानी मसाला तैयार कर लेंगे। अब यहाँ मैंने एक पॉट ले लिया है, जिस पॉट में हमें बिरयानी बनानी है सेम वही पॉट हमने ले लिया है और ये 1/2 किलो चिकन हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अब जो हमने बिरयानी मसाला बनाकर तैयार किया था वो सारा मसाला हम इसमें शामिल कर देंगे। और ये कुछ तेज़पात के पत्ते हैं, ये छोटे छोटे पत्ते हैं, तो करीब 3-4 पत्ते डाल दिए हैं मैंने। अगर बड़े हो तो आप सिर्फ 2 डाल दें। अब 2-3 बड़े चम्मच जितना नींबू का रस, या फिर इसकी जगह आप वाइट विनेगर यानी सिरका भी डाल सकते हैं। नींबू या सिरका डालने से इसका टेस्ट भी इन्हेंस होता है और साथ ही ये दोनों चीज़ें गोश्त को गलाने में भी मदद करती हैं। अब 1/4 चम्मच या करीब 2 चुटकी हमने इसमें फूड कलर भी डाला है। फूड कलर पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें डालें या फिर पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं। ये 3 हरी मिर्च हैं, इनको मैंने इस तरह से तोड़कर डाल दिया है। और 1 मुट्ठी पुदीना है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और 1 मुट्ठी हरा धनिया है, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और करीब 3 से 4 बड़े चम्मच जितना दही हमने इसमें डाल दिया है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को चिकन में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको मैरिनेशन में छोड़ेंगे कम से कम 2 घंटे के लिए। आप इसको इससे ज़्यादा टाइम के लिए मैरिनेशन में रखें तो और भी ज़्यादा अच्छा है। आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेशन में रख सकते हैं, लेकिन उस टाइम फ्रिज में रखिएगा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि बाहर रखने से इसमें स्मेल आ जाए, चिकन ख़राब हो जाए। तो 2 घंटे तो आप इसको बाहर शेल्फ पे भी रख सकते हैं, 3-4 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा टाइम के लिए रखें तो प्लीज़ फ्रिज में रखिएगा। करीब 2-3 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ये 3 बड़ी प्याज थी जिनको मैंने इस तरह से फ्राई करके कैरामलाइज करके रख लिया था। तो इसमें से 1/2 प्याज को हम अभी चिकन में डाल देंगे और 1/2 प्याज को हम बाद में यूज़ करेंगे। और जिस ऑयल में हमने प्याज को फ्राई किया था उसमें से 3 से 4 बड़े चम्मच जितना या फिर 1 छोटी कटोरी जितना समझ लीजिए, इतना ऑयल हम इसमें शामिल कर देंगे। ये ऑयल इसमें ज़रूर डालिएगा क्योंकि इसमें प्याज का फ्लेवर और टेस्ट दोनों चीज़ें होती हैं, जिससे बिरयानी का टेस्ट और फ्लेवर भी इन्हेंस होता है। अब जितना ज़्यादा टाइम के लिए हम इसको मैरिनेशन में छोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा इन मसालों का टेस्ट और फ्लेवर बोटियों में अंदर तक जज्ब होगा, पेनिट्रेट होगा, तो उससे हमारी बिरयानी जो है और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो अब इसको ढक देते हैं और कम से कम 2 घंटों के लिए हम इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देते हैं। अब करीब 2 घंटे गुजर चुके हैं, आइए अब बिरयानी के लिए चावल बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने भगोने में काफ़ी सारा पानी ले लिया है। अब इसमें मैं तकरीबन 2-3 बड़े चम्मच नमक डालूंगी। नमक इसमें हमें पानी के हिसाब से डालना है, चावल के हिसाब से नहीं। यानी हम इसमें इतना नमक डालेंगे कि जो सारा पानी है वो अच्छी तरह से नमकीन हो जाना चाहिए, यानी जितना नमक हम नॉर्मली खाते हैं उसके मुकाबले इस पानी का जो टेस्ट है वो थोड़ा ज़्यादा नमकीन होना चाहिए, तभी हमारे चावल में नमक ठीक बैठेगा, वरना जो चावल हैं वो थोड़े फीके रहेंगे। अब इसमें 1 चम्मच ज़ीरा और करीब 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा हमने इसमें डाला है और 1/2 नींबू का रस हमने इसमें निचोड़ दिया है और जो उसका छिलका था वो भी हमने इसी में डाल दिया है। अब फुल फ्लेम पर इस पानी में अच्छा सा बॉयल आने का वेट कर लेंगे। ये देखिए पानी में बहुत अच्छी तरह से बॉयल आने लगा है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो ये मैंने 500 ग्राम बासमती राइस लिए थे जिनको 1/2 घंटा पहले अच्छी तरह से वॉश करके पानी में भिगो दिया था। अब मैंने इनको पानी में से निकाल लिया है और इस उबलते हुए पानी में हम इनको शामिल कर देंगे। चावल शामिल करते ही जो पानी का बॉयल था वो रुक गया है क्योंकि जो पानी का टेम्परेचर था वो एकदम डाउन हो गया है। तो गैस की फ्लेम को फुल ही रखेंगे और पानी में दोबारा से बॉयल आने का वेट कर लेंगे।
अब चावलों में अच्छी तरह से बॉयल आ गया है, तो फुल फ्लेम पर इनको इसी तरह से बॉयल होने देंगे जब तक कि हमारे जो चावल हैं तकरीबन 80-85% तक कुक नहीं हो जाते, गल नहीं जाते, या फिर जो चावल हैं वो इस तरह से फूल कर सरफेस के ऊपर नहीं आ जाते। अब चावलों को चेक कर लेंगे, चावल तकरीबन 80-90% गल गए हैं। तो जो चिकन हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था, हम इन चावलों से उसके ऊपर लेयरिंग करेंगे। इन चावलों को चिकन के ऊपर इवनली स्प्रेड करेंगे, यानी कहीं ज़्यादा मोटे और ज़्यादा पतले नहीं रखेंगे, इनको एक सार करते जाएंगे। मैं यहाँ चिकन और चावल दोनों की सिर्फ एक एक लेयर लगा रही हूँ, आप चाहें तो इनकी दो दो लेयर भी लगा सकते हैं। उसके लिए आप आधा चिकन निकाल कर अलग कर लें और आधे चावल को पहले आधे चिकन के ऊपर फैला दें, और बाकी का जो चिकन आपने निकाला था चावलों के ऊपर से वो डालने के बाद फिर चावल की एक दूसरी तह उनके ऊपर से और लगा दें। यानी आपको चिकन और चावल दोनों की अल्टरनेट तह लगानी है। अब सभी चावलों को मैंने चिकन के ऊपर इवनली स्प्रेड कर लिया है। अब जो हमने तली हुई प्याज बचाकर रखी थी वो इसके ऊपर डाल देंगे। अब थोड़ा हरा धनिया और पुदीना भी इसके ऊपर डाल देंगे, और करीब दो तीन हरी मिर्चें हैं उनको भी मैंने इस तरह से पीसेस करके इनके ऊपर डाल दिया है। करीब 4-5 बड़े चम्मच दूध में मैंने कुछ धागे केसर के डालकर रखे थे जो कि अच्छी तरह से सोख हो गए हैं और उनका कलर पूरी तरह से दूध में आ चुका है, तो ये केसरी रंग वाला दूध भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अगर आपके पास केसर यानी ज़ाफ़रान नहीं हो तो आप सिर्फ दूध डाल दीजिएगा, दूध से चावल काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। और करीब 2 चुटकी ऑरेंज फूड कलर यानी जर्दे वाले रंग को मैंने इस तरह से चावलों के ऊपर छिड़क दिया है। करीब 1 बड़ा चम्मच केवड़ा वाटर को मैंने इस तरह से फैलाते हुए चावलों के ऊपर डाल दिया है। करीब 2-3 बड़े चम्मच देसी घी को इस तरह से चावलों पर जगह जगह डाल देंगे, इससे चावल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेंगे और बिरयानी में बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आएगी। लेकिन अगर आपके पास देसी घी नहीं हो तो आप यहाँ पर जो तली हुई प्याज वाला ऑयल था वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इनको कवर कर देंगे, तो किसी ऐसे ढक्कन से इनको कवर कीजिएगा जिससे कि इनकी स्टीम बिल्कुल भी बाहर ना निकल सके, या फिर आप चाहें तो एक कॉटन का किचन टॉवल लेकर उसको हल्का नम करके पहले बर्तन के ऊपर उसको ढक दें, फिर उसके ऊपर आप कोई ढक्कन या प्लेट रखकर थोड़ा सा वजन रख दें। मेरा ये ढक्कन एकदम परफेक्ट है, इसमें से बिल्कुल भी स्टीम बाहर नहीं आती है, तो इसलिए मैंने कपड़ा नहीं लगाया है। अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं। शुरू के 2 मिनट तक हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे, फिर 2 मिनट बाद हम गैस की फ्लेम को एकदम धीमा कर देंगे और धीमी आंच पर हम इसको 20 मिनट के लिए दम करेंगे। अगर आपका बर्तन ज़्यादा भारी तले का नहीं हो तो यहाँ आप एक लोहे के तवे को पहले प्री हीट कर लें, यानी फुल फ्लेम पर उसको अच्छी तरह से गर्म कर लें, फिर उसके बाद गैस की फ्लेम को एकदम धीमा करके उस गर्म तवे के ऊपर बिरयानी का बर्तन रखकर धीमी आंच पर इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम कर लें। तो बिरयानी को हमने करीब 20 मिनट के लिए दम पर पका लिया है। अब हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है, अभी हम इसको खोलेंगे नहीं, करीब 4-5 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह से रेस्ट पर रहने देंगे। इससे हमारे चावल एकदम खिले खिले बनेंगे और बिल्कुल टूटेंगे नहीं। करीब 5 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी तैयार हुई है। अब हमने बिरयानी को सर्व कर लिया है और आप देख सकते हैं कि जो बिरयानी है वो किस तरह से खिली खिली बनी है और चावल बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं और ना ही आपस में जुड़े हैं। तो आप भी इस बिरयानी को हमारे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सभी को ये बहुत पसंद आएगी। ये देखिए चिकन भी कितना अच्छी तरह से गल गया है, और यहाँ मैंने इसके साथ सर्व किया है ये प्याज टमाटर और खीरे का कचौंबर। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पर आइंदा आने वाली सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले और एकदम फ्री में देखने के लिए मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।